अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उस्ताद जी, जो आपने तीनों नमक तेज़ाब बताए थे और उसके बाद में उसमें ग्लिसरीन मिलाने को बताया था, वो हमने अमल पूरा कर लिया है और ये तेल भी बन गया है। इसमें बर्फ़िया भी हम पका रहे हैं। अब बर्फ़िया कितने देर पकाना है ये तो हमें इल्म नहीं है, ना ही आपने वीडियो में बताया है, लेकिन फिर भी हम आधा घंटा पका रहे हैं और अल्लाह से यही दुआ है कि ये बर्फ़िया काम कर जाए। बस सिर्फ़ एक बात मालूम करना थी कि ये बर्फ़िया सिर्फ तांबे को कलर करेगी या शम्स भी करेगी। अगर ये बर्फ़िया तांबे को शम्स कर दे तो सारे मसले हल हो जाएं उस्ताद जी। तो कोई ऐसा अमल बता दीजिए, ये अगर खाली कलर करे तब तो फिर बात दूसरी है, और अगर तांबे को शम्स कर दे तब तो सर इंशाल्लाह हमारी नस्लें आपको दुआ देंगी इंशाल्लाह ताला। तो बस यही मालूम करना था आपसे कि ये तांबे को सिर्फ कलर करेगी या शम्स करेगी। तो अगर इसके आगे का कोई नुस्खा हो तो प्लीज़ आप हमें सेंड कर दीजिए सर, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। इस वक्त हम बहुत परेशान हैं सर, बहुत दिल से दुआएं आपके लिए निकलेंगी अगर हमें आप इसके आगे की वीडियो भेज दें, या अगर यही शम्स कर दे तो आप सिर्फ हमें बता दीजिए कि ये शम्स कर देगी, तो इंशाल्लाह ताला हम काम कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।